नमस्ते, मैं सुमन पांडे, आप सबका स्वागत है अपनी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। तो आइए उन सबका इंग्रेडिएंट देख लें हम। ये मैंने 4 मीडियम प्याज ले लिया है, 6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, और मुझे इसमें से 3 प्याज का पेस्ट बनाना है, एक तड़के के लिए रखना है। ये मैंने 1 अमूल क्रीम ले लिया है और 6 छोटे टमाटर ले लिए मैंने। ये 2 कप मैंने काली उड़द बॉयल करके रख लिया है और आधा कप मैंने राजमा बॉयल कर लिया है। अब मैं इन सब का पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब मैं चल रही हूँ दाल मखनी बनाने। अब मैं 1 बड़े स्पून से कढ़ाई में तेल डालूँगी, 1 स्पून और, तेल गरम हो गया। मैं इसमें कटा हुआ प्याज डालूंगी, आधी पिंच हींग, ये देखिए प्याज गोल्डन कलर में हो गया है। अब मैं इसमें ये पेस्ट डालूंगी। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 इसको अच्छे से भून लेना है मुझे। ये देखिए अभी मसाला नहीं भुना है, इसको 2-3 मिनट और भून लेती हूँ। ये देखिए मेरा मसाला पूरी तरह भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये बॉयल किया हुआ राजमा। अब ये उड़द काली, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी पानी, एक कटोरी पानी और डालूंगी इसमें क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा है, 1 कटोरी पानी और डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक, we will always take a step.
अब हम इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। सो ये मेरा दाल मखनी बनके तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी अमूल का क्रीम 1 बाउल। आइए अब हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए मेरा दाल मखनी बनके तैयार हो गया है। अब इसको 2 मिनट और पका लूंगी बस। ये देखिए मेरा दाल मखनी बनके तैयार हो गया। सो गाइस ये मेरा दाल मखनी बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।